शारदीय नवरात्र का आज चौथा दिन है। माँ के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति मानी गई है। माता की मंद हल्की मुस्कान हंसी द्वारा अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना से, इनकी साधना करने से साधक के जीवन से जुड़े सभी कष्ट दूर और कामनाएं पूरी होती हैं। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में स्थित बताया गया है। सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति मात्र माँ कुष्मांडा में ही नहीं थे। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब माँ कुष्मांडा ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। उनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं था। माता के शरीर की कांति और प्रभाव सूर्य के समान प्रकाशमान है। माता की तेज की तुलना किसी अन्य देवी देवता से नहीं की जा सकती है। माँ कुष्मांडा के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित तेज माँ कुष्मांडा की छाया से ही है। माँ कुष्मांडा की आठ भुजाएं हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ के हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। माता के आठवें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। माता का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की पूजा में कुमकुम, चंदन, मौली, अक्षत, पान के पत्ते, केसर और श्रृंगार अर्पित किया जाता है। माता को सफेद कुम्हड़ा अर्पित किया जाता है। दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। घी के दीपक और कपूर से माँ कुष्मांडा की आरती की जाती है। अविवाहित लड़कियों को माँ कुष्मांडा की पूजा करने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है। माँ कुष्मांडा को लाल रंग और पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए पूजा में लाल रंग के फूल जैसे गुड़हल, लाल गुलाब या पीले पुष्प अर्पित किए जाते हैं। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त करती है और आशीर्वाद स्वरूप आयुष, बल, बुद्धि प्रदान करती है। जो व्यक्ति संसार में यश पाना चाहता है, उन्हें माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आपके घर परिवार में कोई लंबे वक्त से बीमार हो तो इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करें और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। माँ को मालपुए का भोग लगाएं, मन से पूजा करें और माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद पाएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।